ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰੂਟ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। इस मौके जथे च शामिल सतवंत कौर ने दसिया कि मोदी सरकार ने जो खेती कानून बिल पास किए हैं उन्होंने रद्द करवा के ही वो वापस आएंगे। पिंड नरूर तो सारी संगत इकट्ठी होकर मैं लिया 26 जनवरी को दिल्ली लई रवाना हो रहे हैं। इस वेले शाम के 7 बज चुके हैं। असी उत्थे दिल्ली जाके मोर्चा अपना खत्म करके मुड़ांगे। इस मौके बहादुर सिंह ने दसिया कि जेकर जत्थे नूं दिल्ली पुलिस ने रोकन की कोशिश की थी ता कोई भी नुकसान होया ता उसकी जिम्मेवार दिल्ली पुलिस होगी। उन्हें कहा कि एनआरआई वीरा दे सहयोग नाल सिंगू बॉर्डर ते पहला ही पिंड वालों लंगर चलाया जा रहा है। उन्हें मोदी सरकार नूं अपील की थी कि वह खेती कानूनों नूं जल्द तो जल्द वापस ले लैन। पिंड नरूर दी संगत 26 तरीक किसान मोर्चे लई इत्थों जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस नूं बेनती है कि वो रोकण की कृपालता ना करे। अगर रोकण की कृपालता करे तो जिम्मेवारी उन्हां दी होवेगी। जो बैरीकेड अगर उन्होंने लाए अगर तोड़ने पैसे असी तोड़ के भी 26 जनवरी मनाने लई अंदर जावांगे। ट्रैक्टर मार्च इस पूरी तरह अंदर जाके असी भी साडा भी ये हक है कि असी भी 26 जनवरी बड़े धूमधाम नाल मनाइए। शांति नाल मनाना चाहते हाँ। सानू पुलिस जो हैगी है वो तंग ना करे। इसलिए बेनती है कि शांति नाल मोर्चा जित के 26 तरीक तो बाद असी वापस मुड़ांगे। साढ़े उत्थे पिंड नरूड वालों लंगर की सेवा भी हो रही है ते उस तो बाद ही असी वापस परतांगे। रवाना होने समय सरपंच सुरजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, राम सिंह, बाबा सुखदेव सिंह, परविंदर कौर, भुपिंदर कौर, गुरजीत कौर, सुरजीत कौर, परमजीत कौर तो अलावा होर बीबियां मौजूद सन। Thank you.